व्हाट द फक, मैंने तो फ्लेयर गन है। हाँ यार ये फ्लेयर गन है और ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भी है क्योंकि ये है स्पॉन आइलैंड। यस गाइस, ये सीक्रेट आइलैंड हमारे पबजी का। सो यहाँ पे अब तो हम लोग कभी स्पॉन होते ही नहीं क्योंकि हमारा हर बार POI अलग जगह बनता है। ये पहले हम लोग जब 0.7.0 या 0.8.0 तक के अपडेट में हम लोग यहाँ आते थे। जो लोग अभी पबजी का नया खेलते हैं उनको शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, इन पुराने बंदों को पक्का पता होगा ये इसके बारे में। ठीक है यार, और अगली चीज़ मुझे यहाँ जो दिखी वो था एक मिलिट्री बेस की बिल्डिंग। यार जो मिलिट्री बेस में मेन बिल्डिंग होती हैं वो यहाँ थी। सो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो गया था क्योंकि यार मेन जो होता है ये सब बिल्डिंग्स मिलिट्री बेस में ही दिखती हैं, मुझे आज तक वहीं पे दिखी हैं। और यहाँ पे जब हम लोग स्पॉन होते थे तब तो ये मुझे कभी नहीं दिखी। ठीक है, और शायद ये नए अपडेट में आई होंगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। सो मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे स्पॉन आइलैंड आना, मुझे काफ़ी अच्छी डिसेंट लूट मिल गई थी। डिसेंट नहीं, बहुत ही अच्छी लूट मिल गई थी। 1 6x मिला था, नहीं यार 2 6x मिले थे क्योंकि दूसरा पड़ा हुआ सामने मेरे, और 2x की तो बात ही मत करो, इतने 2x मिल गए थे। और 3x अभी मेरे पास नहीं था, 4x भी नहीं था और 8x भी नहीं था। सो ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लूट थी हम लोग के पास। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी देखिए मुझे क्या लूट मिली। सही लेवल 3 की लूट है क्योंकि सो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा देखने में, और मैं जानता हूँ आप लोगों को एक्चुअली काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होगा इतना लूट वूट देखना, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। सो देखिए मुझे क्या क्या मिलता है। यार जो लोग पबजी बहुत पहले से खेलते होंगे स्टार्टिंग से एकदम, या फिर थोड़ा बीच से भी स्टार्ट किए होंगे, तो उनको पता होगा कि मैं इस समय कहाँ हूँ। यस गाइस, मैं हूँ कंटेनर वाली जगह पे, हम लोग की रियल स्पॉन लोकेशन जो होती थी पहले। तो मैंने पहले पीछे सब लूट कर लिया और देखिए मेरे पास कितने सारे 2x वगैरह ये सब हैं, और फ्लेयर गन अब तक मैंने यूज़ नहीं किए। और ये इरांगल का मेन जो आइलैंड है सामने मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं वहाँ जाने की सोच तो नहीं रहा क्योंकि मैं जाऊँगा शायद अटैक होएगा या मैं मर जाऊँगा, कुछ ऐसा ही होएगा, तो मैं जाने की नहीं सोच रहा हूँ। मैं यहाँ था तो मुझे देखा एक बंदा और मैं एकदम डर गया। यहाँ पे बॉट हो सकते हैं, बॉट है कि वो रियल प्लेयर है, मुझको लगा रियल प्लेयर ही होगा यार, क्योंकि जब स्पॉन लोकेशन यानी ये पुराना आइलैंड पे कौन आएगा भला। सो मैंने सोचा ठीक है यार जाते हैं उसे देखते हैं मारते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और बस मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से नहीं चढ़ पा रहा था। सो मैं डरा भी हुआ था क्योंकि अगर मैं पहाड़ पे था शायद उसे मैं फुटस्टेप्स आ जाए और वो आके मुझे मार भी सकता है। सो मैंने कहा छोड़ो यार बस जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ूँ और मैं बस यहाँ पे पहाड़ पे जंप कर लूँ। हाँ जंप करके मैं बस ऊपर गया, मैं सोचा वो कहाँ है, और बस मुझे उसकी क्रेट मिल गई। हमने कहा वाओ यार ये बंदा तो क्रेट में ही मर गया। और देखो उसके पास फर्स्ट एड भी थी, पता नहीं उसने फर्स्ट एड क्यों नहीं यूज़ की, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और मेरे पास देखिए कितना गजब का लूट है, मतलब मेरे पास इतनी अच्छी लूट है। सो जो गलती मैंने अभी की थी वो था कि मैंने अपना फर्स्ट एड किट पहले यूज़ कर लिया यार, मतलब उससे क्या हुआ मेरा सारा जो लूट थी मतलब मेरी हेल्थ थी उसने थोड़ी सी बढ़ाया लेकिन सारा वेस्ट हो गया था। सो मैंने कहा अब चलो यार फ्लेयर गन यूज़ ही कर लें। सो फ्लेयर गन मैंने चला दिया आसमान में और मुझे लगा अब आएगा एयर ड्रॉप। सो बस मैं वेट करने लगा था और सुपर एयर ड्रॉप ऑन इट्स वे आ गया था, तो मैं काफ़ी थोड़ा खुश भी हो गया था कि चलो यार सुपर एयर ड्रॉप आ तो रहा है कम से कम। सो बस अब उसका वेट करते हैं यार कब तक आया कब तक आएगा, चलो भाई आ जाओ। सो एक बार मैं फिर से चेक कर रहा था कि कुछ बच तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया, और मैं ऊपर देखता हूँ तो क्या आ रहा है, आया कि नहीं आया। अब तक क्या इसमें दिखा है कि अब पहुँचे ही, तो मतलब पूरा ग्लिची है क्या पूरा गेम, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले शूट किया था और इसमें दिखाया था कि अब तक वो रास्ता तय कर रहा है। सो काफ़ी ग्लिची गेम था ये वाला तो मेरे लिए। और ये आ गया हमारा सुपर एयर ड्रॉप, ये एक्चुअली सुपर एयर ड्रॉप नहीं है, हाँ ये आम यूएजी है क्योंकि मैं सर्कल के बाहर था मुझे याद ही नहीं रहा। सो देखते हैं आम यूएजी पूरी सही सलामत है या फिर ये आम यूएजी नहीं है कोई और व्हीकल है, देखते हैं। गाइस मैं थोड़ा पीछे आके इस पे जूम इन करता हूँ, ओके जूम इन हो गया, ये आम यूएजी लग रही है मुझे और मैं सोच रहा हूँ इसे आसमान में ब्लास्ट कर दूँ क्योंकि मैं आइलैंड से गाड़ी लेके थोड़ी जा सकता हूँ यार। सो मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसे ब्लास्ट करने का, मतलब धुआं हुआ तो निकलने लगता है, आग भी निकलने लगती है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होती है, ये होती है कि नहीं होती है पता नहीं यार। सो धुआं तो निकलने लगता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होगी मुझे पक्का पता है, क्योंकि बस पता है मुझे क्योंकि आम यूएजी है यार, ब्लास्ट थोड़ी होगी, ब्लास्ट हो जाएगी तो आम यूएजी कैसी। तो आग निकलने लगी, सब कुछ होने लगा है, ये बस ब्लास्ट नहीं हुई और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि अब मतलब मैंने इतनी गोलियाँ इस पर वेस्ट की और ब्लास्ट भी नहीं हुई। कम से कम अपने मालिक का एक हुक्म तो मानो, कम से कम ब्लास्ट तो हो जाओ।
और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इस पे गोली दन दन मार दी और ये देखो ब्लास्ट हो गई। मतलब ये पैर ब्लास्ट नहीं हो पा रही थी, कितनी बेशरम गाड़ी है ये, लिटरली कितनी बेशरम गाड़ी है। सो अब मैं थोड़ी पेन किलर ले लूँ, अपनी हेल्थ बढ़ाऊँ, अपनी मतलब बीपी की गोलियाँ हैं तो मेरी, मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पता तो चलिए हो सबको कि एयर ड्रॉप आता है यार, मतलब स्पॉन आइलैंड यानी सीक्रेट आइलैंड पे भी एयर ड्रॉप आता है, सुपर एयर ड्रॉप आता है। सो गाइस अगली बार कोई पूछे ना कि बता भाई स्पॉन आइलैंड सीक्रेट आइलैंड क्या होता है, क्या एयर ड्रॉप आता है, बता देना आता है भाई, और बोल दे कि नहीं आता है ऐसा कुछ, कुछ भी बताया आपको ना, दिखा देना उसको ये वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सो मैं ऐसी ऑसम वीडियोस लाता रहता हूँ।